नमस्कार मैं डॉक्टर सरिता चौधरी आज आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूं आज हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम के बारे में यानी कि शैक्षिक शोध पैराडाइम शैक्षिक शोध पैराडाइम को डिस्कस करने से पहले हमें पैराडाइम शब्द का अर्थ समझना होगा यानी कि पैराडाइम क्या होता है इसका क्या अर्थ होता है यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पैराडाइम शब्द ग्रीक वर्ड पैराडिगमा से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पैटर्न पैटर्न मीन्स तरीका अब तरीके को हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे समझेंगे रिसर्च के अंतर्गत देखिए जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च करने से पहले हमारे दिमाग में रिसर्च को लेकर के जो टॉपिक आता है उसके संबंध में एक सवाल आता है कि भाई इस रिसर्च को हमें कैसे करना है कैसे करना का मतलब है कि हमारी अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि क्या मैं इसको गुणात्मक तरीके से करूँ क्वालिटेटिव तरीके से करूं क्या मैं इसको क्वांटिटेटिव तरीके से करूं यानी कि मात्रात्मक तरीके से करूं या फिर मैं एक मिक्स्ड मेथड अप्रोच अपनाऊं कौन से तरीके से मैं अपने रिसर्च करूं तो यहां पर जो रिसर्चर है वो इस कन्फ्यूजन से निपटने के लिए पैराडाइम का सहारा लेता है हमारी अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा यानी रिसर्चर का सत्य और ज्ञान के संबंध में क्या नज़रिया है क्या आउटलुक है वो सत्य और ज्ञान को कैसे परसीव करते हैं क्योंकि सत्य और ज्ञान के बारे में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही हमारा चारों तरफ के जगत उसकी वस्तुओं तथा उसके क्रियाकलापों के बारे में हमारी सोच हमारे विश्वास हमारी एजमशंस को निर्धारित करता है और यही हमारी सोच हमारी विश्वास हमारी अवधारणाएं इन्हीं को सोशल साइंटिस्ट ने पैराडाइम कहा है अब यदि इसको बहुत ही एक सिंपल एक दैनिक जीवन का उदाहरण देकर के हम समझने की कोशिश करें तो इसको कैसे करेंगे मान लीजिए यदि आप कहीं मार्केट में हैं और आपको अपने घर जाना है और घर जाने के आपके पास तीन रास्ते हैं हम हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते रहेंगे कि आपके सामने रिसर्च प्रॉब्लम है रिसर्च आपको करनी है और आपके सामने कई रास्ते हैं कि भाई कौन से मेथडोलॉजी से या कौन सी अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अपनाऊँ तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है उस व्यक्ति के लिए जो घर जाना चाहता है जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहता है जिसके सामने तीन रास्ते उपलब्ध हैं तो वो डिपेंड ये करता है कि उन तीन रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चुनेगा कहने का मतलब यह है कि एक रास्ता है शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा सा कुछ जंगली जानवरों का वहाँ पर खतरा है दूसरा रास्ता है शॉर्टकट है लेकिन बहुत उबड़ खाबड़ है तीसरा रास्ता है अच्छा है लेकिन बहुत लंबा है तो कहने का अर्थ है कि तीनों रास्ते अपने आप में सही हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी है तो ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू प्रत्येक रास्ते के बारे में कैसा है तो इसी तरह से हम इसको रिसर्च पर थोड़ा सा कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि पैराडाइम का मतलब ये है कि किस तरह से रिसर्चर को वो मेथडोलॉजी या वो अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपनानी है जिससे वह अपने शोध को सही दिशा दे सके और शोध के जो परिणाम हैं वो विश्वसनीय आ सके ऑथेंटिक आ सके सबके लिए स्वयं के लिए समाज के लिए फायदेमंद हो सके बेनिफिटेड हो सके समाज तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं आगे हम बात करते हैं पैराडाइम की तो पैराडाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले थॉमस कुहन ने किया था अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में 1962 में वहाँ पर उन्होंने बताया कि पैराडाइम शब्द को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है कैसे उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है जो किसी साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेयर किया जाता है अडॉप्ट किया जाता है मतलब क्या है कि ये एक ऐसा आ, वे ऑफ थिंकिंग है सोचने का ऐसा नज़रिया है ऐसा तरीका है जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों ने एक्सेप्ट किया होता है कि भाई इस तरीके से हमको इस समस्या को सॉल्व करना है दूसरा उन्होंने कैसे बताया कि यह जो है कमिटमेंट्स को बिलीव्स को वैल्यूज़ को आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है है ना बात वही होगी दोनों में कि कहीं ना कहीं एक नज़रिए को प्रदर्शित करता है कि भाई आप या हम सत्य या वास्तविकता या कहिए नॉलेज के संबंध में कैसी अवधारणाएं रखते हैं कैसी सोच रखते हैं क्या वैल्यूज़ है हमारे अंदर उसको लेकर के अब यदि इसको एक डेफिनेशन में पिरोया जाए यदि इसको परिभाषित किया जाए तो कैसे किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू श्वांट श्वांट नाम के फिलोसोफर ने 2001 में इसको डिफाइन किया है उन्होंने बताया अ पैराडाइम इज अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू शेयर्ड वर्ल्ड व्यू शब्दों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे अ पैराडाइम इज ए शेयर्ड वर्ल्ड व्यू दैट रिप्रेजेंट्स द बिलीव्स एंड वैल्यूज इन अ डिसिप्लिन जो क्या है किसी डिसिप्लिन में किसी अनुशासन में बिलीव्स और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है वो बिलीव्स और वैल्यूज क्या है दैट गाइड हाउ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्योंकि वो जो गाइड्स और वैल्यूज़ है वो किस लिए है कि भाई वो गाइड्स और वैल्यूज किसके बारे में कि भाई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो जब यदि हम इसको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में समझे, तो हमें इसका अर्थ निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा इसमें एक शब्द आया अ पैराडाइम इज अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू ऑफ बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू मतलब सबके द्वारा अपनाया हुआ है क्या ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज वो विश्वासों उन मूल्यों का एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो शेयर्ड वर्ल्ड व्यू ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज है किसके लिए है ये कि भाई हम सत्य या वास्तविकता या ज्ञान को कैसे परसीव करते उसके बारे में शेयर्ड वर्ल्ड व्यू हमने क्या बनाया हुआ है तो यहां पर यदि हम इसको समझे तो शेयर्ड वर्ल्ड व्यू मतलब किसके बारे में ट्रुथ नॉलेज या रियलिटी के बारे में अब जैसे ही हम ट्रुथ नॉलेज और रियलिटी के बारे में बात करते हैं तो अचानक से हमारे मन मस्तिष्क में एक डिसिप्लिन आ जाता है जिसका नाम है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र क्योंकि दर्शन शास्त्र ही एक ऐसा अनुशासन है जिसके अंतर्गत सत्य वास्तविकता या ज्ञान के बारे में गहन चिंतन किया जाता है उसके अंतर्गत जगत क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है वास्तविकता एक है अनेक है दो है है ना इस तरह की जो बातें होती हैं उनके बारे में वहाँ पर चिंतन किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि जो ये पैराडाइम है इसके जो तार है इसके जो कनेक्शंस है वो फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं कैसे जुड़े हुए हैं इसको हम समझते हैं आगे देखिए फिलासफिकल एजम्शंस के अंदर यदि हम देखें तो स्कोप ऑफ फिलॉसफी को तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला है ऑन्टोलॉजी यानी कि तत्व मीमांसा दूसरा है एपिस्टमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा और तीसरा है एग्जियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा अब ये क्या है ऑन्टोलॉजी जो कि मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आती है ऑन्टोलॉजी का मतलब है तत्व मीमांसा इसके अंतर्गत फिलोसफी में इस बात पर चिंतन किया जाता है कि सत्य या वास्तविकता या कहिए ज्ञान क्या है? है भी या नहीं मतलब सत्य है भी या नहीं यदि है तो वो एक है दो है या अनेक है ऑन्टोलॉजी के अंदर इस बात की चर्चा की जाती है सेकेंड जो आती है इसकी डायमेंशन दैट इज कॉल्ड एपिस्टमोलॉजी अपिस्टमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा तो कहीं ना कहीं हम नाम से इसको समझ सकते हैं कि ये ज्ञान से जुड़ी हुई है यहाँ पर फिलॉसफी में इस बात पर चिंतन किया जाता है कि ज्ञान की संरचना क्या है मतलब ज्ञान किस रूप में हमें प्राप्त होगा ज्ञान का मतलब क्या है सत्य और वास्तविकता है ना क्योंकि जो सत्य है वही ज्ञान है और जिसे हम ज्ञान और सत्य समझ रहे हैं हमारे लिए वही वास्तविकता है तो ज्ञान के स्रोत क्या हैं ज्ञान की संरचना क्या है ज्ञान को प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है क्या वह ऑथेंटिक है वैलिड है उसकी रिलायबिलिटी पर वैलिडिटी को हम कैसे ऑथेंटिफाई करें कैसे बताएं कि ये सही है या गलत है तो इस तरह से के जो विचार विमर्श हैं वो फिलॉसफी की इस ब्रांच के अंतर्गत किए जाते हैं और जो थर्ड ब्रांच है वो है एग्जियोलॉजी यानी कि मूल्यमीमांसा मूल्य मीमांसा जो है वो डील करती है ह्यूमन वैल्यूज और बिलीफ से आइडियल से कि भाई जब हम ह्यूमन वर्ल्ड की बात करते हैं तो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो मानव मस्तिष्क है जो कि मानव एक सोशल प्राणी है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मूल्य हैं आदर्श हैं है ना बिना मूल्य आदर्शों के तो आ, मानव जो है वो जिंदगी व्यतीत नहीं करता तो वहां पर इस बात को लेकर के बताया गया है कि क्या उन मूल्यों का आदर्शों का है ना उन अवधारणाओं का जो किसी व्यक्ति विशेष के मन मस्तिष्क में है क्या उनका सत्य या ज्ञान पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं या सत्य या ज्ञान जो है वो मानव मूल्यों से परे है तो इस तरह की जो बातें जो की जाती हैं वो किसके अंतर्गत की जाती हैं फिलॉसफी के अंतर्गत की जाती है और अभी हम देखें पैराडाइम से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे पैराडाइम क्या है शेयर्ड वर्ल्ड व्यू ऑफ बिलीव्स एंड एजम्पन्स है किसके बारे में ट्रुथ और रियलिटी के बारे में ट्रुथ और रियलिटी के बारे में फिलोसोफिकल एजम्पन्स क्या हैं ऑन्टोलॉजी है एपिस्टमोलॉजी है, है और एग्जियोलॉजी है कहने का अर्थ ये है कि ऑन्टोलॉजी एपिस्टमोलॉजी और एग्जियोलॉजी ये तीनों जब संगठित हो जाते हैं जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो ये एक पैराडाइम का निर्माण करते हैं या आप इसको ये कह सकते हैं कि पैराडाइम प्रत्येक पैराडाइम की प्रत्येक पैराडाइम की अपनी एक ऑन्टोलॉजी होती है अपनी एक एपिस्टमोलॉजी होती है और अपनी एक एग्जियोलॉजी होती है इसका क्या अर्थ है कि भाई जिस पैराडाइम से आपको अपना रिसर्च वर्क करना है उसकी खुद की एक ऑन्टोलॉजी है मतलब वो सत्य या वास्तविकता या ज्ञान के बारे में उसका एक विचार है कि भाई ज्ञान एक है या ज्ञान दो है ज्ञान बहुत सारे हैं मतलब सत्य जो है अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है या एक रूप में प्रकट हो रहा है एपिस्टमोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई उस सत्य तक उस वास्तविकता तक पहुंचने का केवल यही तरीका है या अन्य और भी बहुत सारे तरीके हैं यदि एक्जियोलॉजी की बात करें तो भाई वो जो सत्य नॉलेज या वास्तविकता है वो ह्यूमन वैल्यू से परे है यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का उस पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तो कहने का अर्थ यहां पर यह है समान प्रकृति की ऑन्टोलॉजी समान प्रकृति की अपिस्टमोलॉजी और समान प्रकृति की एक्जिलॉजी तीनों के तीनों मिलकर के किसी एक पैराडाइम का निर्माण करते हैं या कहिए बात वही है कि शीला के तीन बच्चे हैं या तीन बच्चों की माँ शीला है तो वही बात है कन्फ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी एक्जियोलॉजी मिलकर पैराडाइम बनाते हैं या एक पैराडाइम की क्या है तीन आयाम है मतलब पैराडाइम कैसे डिसाइड होगा प्रत्येक पैराडाइम की अपनी एक ऑन्टोलॉजी होती है एक एपिस्टमोलॉजी होती है और एक ही एक्जियोलॉजी होती है जब तीनों का नेचर सेम हो जाता है तो वो किसी एक पैराडाइम का निर्माण करते हैं अब यदि अभी जो हमने पहले डेफिनेशन की जो बात की थी वो डेफिनेशन हमारी जो है एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू के बारे में थी कि भाई किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसका एक तरीका है एक पैटर्न है सोचने का तरीका है उसे हम पैराडाइम कह देते हैं अब यहाँ पर यदि इसी डेफिनेशन को हम फिलोसोफिकल एजम्पन को ध्यान में रख करके इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे अ पैराडाइम इज़ अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू दैट इज़ इंफॉर्म्ड बाय फिलोसॉफिकल एजम्पन्स पैराडाइम एक ऐसा शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है जो किससे इन्फॉर्म होता है मतलब कौन इन्फॉर्म कर रहा है पैराडाइम को कि भाई मैं इस तरह का पैराडाइम आगे आकर इस रूप में उत्पन्न होऊंगा कौन कर रहा है ऑन्टोलॉजी एपिस्टमोलोलॉजी और एग्जियोलॉजी तो दोबारा इसको समझेंगे अ पैराडाइम इज अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू दैट इज इन्फॉर्म्ड बाय फिलोसॉफिकल एजम्पन्स अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी वेज ऑफ नोइंग एंड द वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम तीनों की तीनों फिलोसफिकल एजमशंस इसमें आ गई इसका मतलब वही बात है कि जो तीनों फिलोसफिकल एजम्शंस हैं वो मिलकर के पैराडाइम का निर्माण करती हैं अब यदि हम इसको रिसर्च से अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ठीक है पैराडाइम है तो उसमें मैथडोलॉजी का क्या कनेक्शन है अब इसको हम एक हायरिकल ऑर्डर में समझ सकते हैं कैसे समझ सकते हैं अब देखिए है। सबसे पहला आया ऊपर ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी जैसी होगी वो इन्फॉर्म करेगी एपिस्टमोलॉजी को मैंने बताया कि समान प्रकृति की होनी चाहिए है ना जैसी ऑन्टोलॉजी होगी उसी के अनुसार एपिस्टमोलॉजी होगी और जैसी अपिस्टमोलॉजी होगी उसी के अनुसार एक्जिओलॉजी होगी ये तीनों मिले अब ये तीनों जब समान नेचर के मिल गए इन्होंने क्या बनाया एक पैराडाइम बना लिया मान लीजिए उसका कोई नाम है यदि हम पॉजिटिविज्म की यहाँ यहाँ पर बात कर लें विधेवाद की यदि बात कर ले तो उसको एक नाम दे दिया क्या कि भाई समान नेचर की तीनों जो फिलोसोफिकल एजम्पन्स हैं जब ये मिलेंगी तो एक पैराडाइम का निर्माण कर देंगी अब आगे कैसे चला जाएगा जब ये तीनों मिल जाती हैं ऑन्टोलॉजी ऑनटोलॉजी और एक्सियोलॉजी ये तीनों मिलकर के जन्म देती हैं मैथडोलॉजी को मैथडोलॉजी का अर्थ क्या है वो अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी जैसे ही एज ए रिसर्चर हम शोध कार्य करना शुरू करते हैं तो हम यहीं से देखते हैं कहां से मैथडोलॉजी से शुरुआत करते हैं हमें कभी कभी ये नहीं पता होता कि उसके पीछे पैराडाइम कौन सा कार्य कर रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप मात्रात्मक शोध करते हैं तो उसके रिसर्च डिज़ाइन कुछ पर्टिकुलर होते हैं उसके अंदर जो आप डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कुछ अलग होते हैं ऐसा नहीं है कि मैथडोलॉजी आपकी क्वांटिटेटिव है और आप उसमें जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं डेटा गैदरिंग की वो आप क्वालिटेटिव यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे ना क्यों क्योंकि वो उस पैराडाइम से गाइडेड हैं वो पैराडाइम उसको गाइड कर रहा है तो कहने का अर्थ क्या है तीनों एजम्पन्स वो तीनों एजम्पन्स किसको गाइड करेंगी किसको इन्फॉर्म करेंगी मैथडोलॉजी को मतलब क्या है कि यहाँ पर मैथडोलॉजी डिवाइड हो जाएगी जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे मैथडोलॉजी का मतलब या तो आइदर क्वालिटेटिव गुणात्मक आइदर क्वान्टिटेटिव मात्रात्मक या आइदर मिक्सड मैथड या उसके अलावा भी बहुत सारे पैराडाइम हैं जिसके एजम्पन्स को फॉलो करके शोध कार्य को किया जा सकता है अब यहीं पर जैसे तीनों ने फिलोसफिकल एजमशन से मैथडोलॉजी को बताया अब मैथोलॉजी किसको डिसाइड करेगी उसके नीचे यदि एक और एरो बनाए तो वो करेगी रिसर्च डिजाइन को यदि यदिडोलॉजी के अंदर यदि अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्वान्टिटेटिव अप्रोच को या क्वान्टिटेटिव मैथॉलॉजी को अडॉप्ट किया है तो उसके अंतर्गत रिसर्च डिजाइन अलग अलग होंगे जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम मात्रात्मक शोध कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत रिसर्च डिजाइन कौन से होंगे एक्सपेरिमेंटल हो सकता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल हो सकता है को रिलेशनल हो सकता है है ना कॉजल कम्पेरेटिव हो सकता है और सर्वे भी हो सकता है हो सकता है ना और यदि हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी में फिनोमिनोलॉजी हो सकती है के स्टडी हो सकती है है ना और जो है एथनो एथनोमेथडोलॉजी हो सकती है बहुत सारी रिसर्चिज इसके अंदर ग्राउंडेड थ्योरी हो सकती है बहुत सारी रिसर्चिज इसके अंदर या कहिए तो रिसर्च डिज़ाइन इसके अंतर्गत आ सकते हैं फिर रिसर्च डिज़ाइन किसको इन्फॉर्म करता है डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट को इन्फॉर्म करता है जब हमने यदि पैराडाइम पॉजिटिविज़्म चुना है तो उस पॉजिटिविज्म पैराडाइम ने कौन सी मेथोडोलॉजी हमें बताई है कि भाई हमको क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी ने हमें क्या बताया है कि भाई ये ये रिसर्च डिज़ाइन हमें यूज़ करना है तो रिसर्च डिज़ाइन फिर किसको इन्फॉर्म करेगा इंस्ट्रूमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि यदि आपने ये रिसर्च डिज़ाइन लिया है यदि आपने सर्वे लिया है या आपने प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिया है तो उसके अंदर आप स्पेसिफ़िक टेस्ट या कहिए यदि सर्वे रिसर्च है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशन ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है या टेक्निक्स डेटा गैदरिंग की यूज़ कर सकते हैं यदि दूसरी तरफ हम कहें कि आपने क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी को अडॉप्ट किया है तो उसके रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक रिसर्च जो भी हम शोध कार्य करते हैं जो भी हम रिसर्च करते हैं उसके पीछे पैराडाइम कार्य करते हैं वो उसके जनक हैं है ना और प्रत्येक पैराडाइम की अपनी एक प्रकृति होती है क्यों प्रकृति होती है डिस्टिंक्ट प्रकृति होती है डिस्टिंक्ट नेचर होती है क्योंकि प्रत्येक पैराडाइम की ऑन्टोलॉजी अलग होती है यानी कि सत्य और ज्ञान के बारे में उसकी अवधारणाएं अलग होती हैं सत्य और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यानी कि एपिस्टमोलॉजी वो अलग होती है और सत्य और ज्ञान पर मूल्य का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है ये डिसाइड होता है पैराडाइम के अंतर्गत तो आज हमने आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पैराडाइम क्या है और पैराडाइम के अंतर्गत मेथडोलोजी कैसे डेवलप होती हैं तो आज के लिए बस इतना ही हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैराडाइम्स के ऊपर मतलब कि स्टार्टिंग से चलेंगे पहले ट्रेडिशनल लेंगे उसके बाद में जो हमारे न्यूअर पैराडाइम है उनको लेंगे तो आज के लिए बस इतना ही होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा धन्यवाद